यस, किससे मिलना है? उसके पहले थैंक यू कि तुमने डोर नॉक किया, यहाँ कोई आता ही नहीं है। I'm sorry. मैं बोर हो रही थी घर पे, इसीलिए। कहिए। जी, ये मिस कथा सिंह का घर है। यस, ऑफ कोर्स। लेकिन वो इस वक्त घर पे नहीं है। आप अंदर आइए ना, उसका वेट कीजिए, वो आ ही रही होगी। आइए। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। मैं कभी और आता हूँ। आप, आपका नाम? आपका नाम पूछा मैंने। देखिए, आप कथा को मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि एक हैंडसम सा गुड लुकिंग बंदा क्रिस्प वेल फिटेड सूट पहन के ब्रूडिंग लुक्स वाला कोई आया था यहाँ पे उससे मिलने के लिए। अब कुछ डिटेल्स तो देने पड़ेंगे ना। जी, एक्चुअली आपके पास एक पेन और पेपर होगा? श्योर। शुक्रिया। कथा, आई एम सॉरी, प्लीज एक चांस दो मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करने का, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। वियान, ये लीजिए। शुक्रिया। ये आप उन्हें दे देंगे? Not bad. Emails के जमाने में चिट्ठियां देने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन कुछ बातें चिट्ठियों वाली ही होती है। वो फोन से टेक्स्ट मैसेजेस में पर्सनल टच नहीं रहता। मैं पढ़ के उसे दे दूंगी। ये डोंट वरी, बिना पढ़े उसे दे दूंगी। Obviously. Right. Anything else? नहीं नहीं, I'm good. Thank you. Bye. हाँ सर, मैडम का नंबर ट्रैक हो गया है, वो 219 JVPD स्कीम में सी व्यू अपार्टमेंट में है। लोकेशन आपके फोन पर भेज दी सर। ओके ओके, थैंक्स। सुनो JVPD, तुम चाहे मुझसे नाराज हो जाओ कविता, मुझसे नहीं होता ये सब। तुम्हारे बिना नहीं जी सकता मैं। अब तुम चुपचाप मेरे साथ घर वापस चल लेना प्लीज। तुम पेड़ पे भी चढ़े थे? अरे डोडो, मैं सिर्फ पेड़ पे चढ़ा ली था। हाँ? उधर से कूदा भी था। I was flying like a dodo. चलो चलो, उठो अभी नहाने जाओ, कब से गंदे बैठे हुए हो। क्या यार मम्मा? मम्मा बेटा, ये पसीने की खुशबू है, इसे बदबू ना समझो। और वैसे भी हम जंगल के शेर हैं, नहाते वाते नहीं है। प्लीज आप हमें डोमेस्टिक बंदर ना समझो। ओके डोडो, आपकी भी क्लास लगने वाली है, चलिए उठिए, अपनी दवाइयां खाइए। और तुम जाओ ना, क्यों चलो। अरे जा रहा हूं। वैसे बंदर की मम्मा से मिलने के लिए एक निहायत ही हैंडसम एंग्री यंग मैन लुक्स वाला बंदा आया था, नाम तो नहीं बताया पर चिट्ठी छोड़ के गया है। ये यहां आया था? हाँ? घर के अंदर कुछ बोला उसने? नहीं, मुझे लगा तुम जानती हो उसे, तो मैंने उसे अंदर, उन्हें अंदर आने के लिए कहा। ना वो अंदर आया, ना उसने नाम बताया।
अलमारी खाली करके अपना सामान लेकर तुम दोस्तों से मिलने गई थी? मेरा सामान घर पर ही है, मुझे अपनी अलमारी साफ करनी थी आज। वाह, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना तुम्हें? मेरा बीपी हाई हो रहा है, मैंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी, सब घर वालों को परेशान कर दिया, सुबह से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूं। जानती हो, अपने होटल के आईटी वाले विजय से तुम्हारे मोबाइल को ट्रैक करने के लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ी। आप मेरा फोन ट्रैक करते हैं? हाँ हाँ, लेकिन तुम पर नजर रखने के लिए नहीं, तुम्हारी चिंता है इसलिए। और इतनी चिंता है कि आज अगर मुझे कुछ हो जाता तो, कभी सोचा तुम्हारे स्टंट की वजह से मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? कुछ नहीं होता आपको। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं होता। वहां तुम अपने दोस्तों के साथ मजे कर रही थी और यहां मैं मेरा मुझे यही सब मैटर करता है ना आपको। मेरा दर्द, मेरा गुस्सा, मेरा डिसीजन, मेरा घर। एक सेकंड नहीं लगा आपको मुझे कहने में कि आपके हिसाब से अगर मैं नहीं चलूं तो मुझे इस घर से चले जाना चाहिए, तो आप ही की बात मानकर मैं यहां से चली गई थी। आप मेरा फोन ट्रैक करते हैं और फिर आप मुझसे कहते हैं कि तुम पर नजर रखने के लिए नहीं, तुम्हारी चिंता थी मुझे। और फिर आप मुझसे कहते हैं कि उसी चिंता से अगर आपको हार्ट अटैक आ जाता तो क्या होता। वाह कैलाश, मेरी चिंता में भी आपकी अपनी ही चिंता है। अगर मुझे सच में कुछ हो जाता तो आपका क्या होता, है ना? अगर मैं सच में चली जाती तो आपका क्या होता, है ना? आपको अपनी इतनी चिंता है कि आपने मुझसे कह दिया कि अगर मैं आरव और कथा से मिलना चाहती हूं तो मुझे आपका घर छोड़ना होगा। मिलना तो है कैलाश, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे आपके घर में नहीं रहना। आप मुझे यहां वापस ले आए, लेकिन मुझे इंतजार है अपने कैलाश का, जो मुझे हमारे घर में वापस ले आए। और हां, मुझे कैसे पता कि आपको कुछ नहीं होता? आपसे दूर रहते हुए भी मुझे आप पर पूरा ध्यान था और आपकी पूरी खबर थी। मैंने सरिता को कॉल करके पूछ लिया था, आपने खाना भी खाया और दवाइयां भी टाइम पर ली। अपने घर में मुझे जगह देने के लिए थैंक यू। मैं किसी कोने में पड़ी रहूंगी और इंतजार करूंगी अपने कैलाश का, जो मैं मेरा मुझे छोड़कर मुझसे हमारी बातें करे। बात करनी कथा रिजाइन फिर से? ऐसा क्या हुआ था दुबई में? यार मैंने तुम दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो सारी की सारी सॉर्ट कराई, फिर तू उसे दुबई ले गया भगवान जाने कौन सी प्रेजेंटेशन के लिए, जो अब्दाली के ऑफिस के हिसाब से कभी हुई भी नहीं, और वापस आने के बाद उसने फिर से रिजाइन कर दिया। नो, जस्ट भाई, क्या मजाक चल रहा है क्या? एक सेकंड, तुझे किसने कहा उसने रिजाइन कर दिया? अनिरुद्ध वर्मा फ्रॉम पिरामिड ने। उसको ये बात पता है लेकिन मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। वाओ, और उसकी हिम्मत देख, भाई साहब सामने से कॉल करके कह रहे हैं कि सुनने में आया है कि अर्थकॉन की स्टार आर्किटेक्ट ने अर्थ शैटर कर दी आपकी, दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट की फाइल छोड़ के गई है आपके लिए, ले गई अपने साथ। इट्स जस्ट नॉनसेंस।
और एक सेकंड, वो कुछ भी बोलेगा तू मान लेगा? We need to check this first, right? It's not nonsense. कथा नौकरी ढूंढ रही है मार्केट में. Why don't you get it? No. Yeah. No. वो पिरामिड चली गई नौकरी ढूंढने के लिए. वो पिरामिड नहीं गई भाई. पिरामिड को चंद्रा एंड एसोसिएट्स के मिस्टर चंद्रा पारेख ने बताया है. वही रेकमेंड कर रहे उसे हर जगह. यान, भाई लिसन टू मी. सच सच बता, ऐसा क्या हुआ दुबई में? डोंट टेल मी तूने उसे फिर से मजबूर के रिजाइन करने के लिए. स्टॉप इट यार, कुछ नहीं हुआ है वहां. ऑलराइट, एंड आई एम गोना टेल यू दिस वंस. मैं उसे दुबई लेके गया था ना, तो जो भी ये प्रॉब्लम है मैं उसे सॉल्व कर लूंगा. तुझे इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. वाओ भाई, शायद ना तुझे दिख नहीं रहा, लेकिन पहले दिन से मैं खड़ा हूं तुम दोनों के बीच. मैं था इसलिए वो यहां थी, वरना तू तो उसे कब का निकाल चुका होता ऑफिस से. और एक सेकंड व्यान, मैंने सिंपल सा सवाल पूछा है, दुबई में क्या हुआ? इसका ये जवाब तो नहीं हो सकता कि तू बीच में मत पड़। What's this attitude, man? Just बस करना यार। अरे नहीं करना मुझे बस यार। क्या बस कर बस लगा रखा है? एक सेकंड भैया, ये कंपनी ना हम दोनों की है, हम दोनों पार्टनर्स हैं इस कंपनी में, if you remember, right? तो सवाल पूछने का हक सिर्फ और सिर्फ व्यान रघुवंशी के पास नहीं हो सकता. ये मेरी भी कंपनी है, मेरा भी हक है. मैं भी पूछना चाहता हूँ कि जब तुझे पता था कथा कितनी इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कितनी. नो, प्लीज रुकिए, बोल ना आगे, बोल. हाँ है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट. आई लाइक हर, आई फील फॉर. नाउ आई अंडरस्टैंड. ये जो झगड़ा हो रहा है ये हमारी लीड आर्किटेक्ट के लिए नहीं हो रहा है, ये आपकी फीलिंग्स के लिए हो रहा है. दैट इज जस्ट फैंटास्टिक. वाओ. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.